देश की बेटियों को समर्पित एक फिल्म पंख, जिसके स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देश की बेटियों को समर्पित, जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पंख आप लोग लेकर आ रहे हैं सभी के बीच में, क्या है ये पंख, किस तरह का पंख लगाने वाले हैं आप बेटियों को? पंख जैसा कि टाइटल है, शीर्षक अपने आप में ये दर्शाता है कि ये कहानी एक उड़ान की है। और टेल ऑफ डॉटर्स जो पूरा टाइटल है कि एक बेटियों की कहानी, पंख यानी कि वो बेटियां जिनके पंख बचपन में ही काट दिए गए हैं या जिनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपनी उड़ान खुद भर सकें। तो ये कहानी उनकी है, उनके संघर्ष की कहानी है, तीन बेटियों की और उनकी माँ की, जो अगेन एक किसी की बेटी रही है। तो ये कहानी कुल मिलाकर बेटियों की के संघर्ष की है, समाज में अपनी जगह बनाने की। और इसके जो पात्र हैं, जो एक परिवार की कहानी है जिसमें दादा है, उसका बेटा है, उसकी बहू है और ये तीन बेटियां हैं। और कैसे हालात बनते हैं और कैसे दादा अपनी पुरानी रूढ़ीवादी सोच को लेके कि भाई बेटा ही सब कुछ है, बेटे के बगैर वंश पूरा नहीं होता और बेटे के बगैर घर नहीं बनता और बेटा जो है वही सब कुछ है, तो ये जो एक सोच इस दादा की है जो उसने अपने बेटे के दिमाग में डाली है और बेटे को भी उसी तरह का बना दिया कि भाई देख ये जो है बेटियां अपनी जगह ठीक हैं, मुझे तो बेटा चाहिए। तो ये एक जो हमारे समाज में इस तरह की सोच चली आ रही है उसको ये दर्शाता है। सर, जैसे कि बेटियों के मुद्दे को बहुत ही सीरियसली इस मूवी में दिखाया जा रहा है, संगीता आप इस फिल्म का हिस्सा ना होते हुए भी बहुत ही अहम हिस्सा हैं। स्वाभिमान की जब भी बात आती है लड़कियों की, आप हमेशा खड़ी होती हैं। आपने कभी इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है? मैंने पर्सनली नहीं किया है। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं पढ़ लिख जाऊँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई को हमेशा ही सपोर्ट किया है। खैर, वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूँ वो तो मैं कर नहीं सकी, लेकिन आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। सो मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला। हाँ, इनिशियली जब मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है, उस वक्त मैंने थोड़ा सा पापा की तरफ से रेजिस्टेंस था कि नहीं, ऐसे बड़े शहर में जाकर कैसे बेटी को अकेला छोड़ दें और अब वहाँ जाके कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तब वो फियर की वजह से थोड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मेरी छोटी मोटी चीज़ों में सफलता देखी पापा ने, तो उनका पूरा सपोर्ट फिर से आ गया कि चल कर, अब मैं हूँ तेरे साथ। पूरी आज़ादी दी, सपोर्ट दिया और आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, इस पूरे मूवी के अगर हम कह सकें कर्ता धर्ता जिन्होंने इस कहानी को ही लेकर आए हैं, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, लड़कियों को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर फिल्में तो बहुत बनी, लेकिन आप इस फिल्म को लेकर आए, क्या वजह थी उसकी और क्या अलग होगा इसमें बाकी फिल्मों से? जो मैं वजह कह सकता हूँ वो ये था कि मैं मीडिया से हूँ। रोज़ हम अपने न्यूज़पेपर में खबरें छापते हैं, कोई बेटी को कूड़े के ढेर में छोड़ के जा रहा है, कोई बेटी को कोख में मार रहा है। तो ये ऐसे जो समाज में ये मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ घर करके। दूसरा कि मेरे चंद दोस्तों में मैंने सुना कि यार मेरे दो बेटियाँ हैं, पहले और तीसरी मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने नज़र नहीं आते, और आज मैं समझता हूँ कि गांव में ये बात हो सकती है कि बेटी को मार दिया जाता है, शहरों में ये बदलाव हो चुका है। बेटियाँ जो हैं आज अपना कर्तव्य और अधिकारों को समझ चुकी हैं, वो मैं समझता हूँ कि शहर वाली बेटियाँ दबने वाली नहीं हैं। और जो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर मोदी सरकार या हरियाणा सरकार या दूसरी सरकारें किसी वजह से टैक्स माफ कर देती हैं तो बहुत से लोग इस फिल्म को देखेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग दे रहे हैं अपने फिल्म के जरिए, हालांकि टाइटल ही बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहें? दर्शकों को तो यही कहना चाहेंगे कि ये एक 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 प्रयास है, इस मकसद एक ऐसा मकसद है कि ये बात लोगों तक पहुंचे। ये एक बड़े पैमाने पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मिशन है, हम तो उस मिशन का एक छोटा सा अंश हैं। और जो इन्होंने इनके प्रयास से ये जो मिशन है ये, क्योंकि आज के ज़माने में फिल्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है, फिल्म बना के उसको पूरा कर देना और उसको दर्शकों तक पहुंचाना, वो इनकी हिम्मत है यश जी की, जो इन्होंने ये किया है।
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ان کی ہمت ذرا رنگ لے آئے اور جو بات یہ کہنا چاہتے ہیں وہ درشکوں تک پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. کیمرامین یشونت کے ساتھ پوجا تیواری، ای 24 ممبئی.